Hello everyone, I am an English trainer. So welcome back to my YouTube channel. So guys, today I would like to discuss about very nice topic. So guys, before starting this class, please like, subscribe and share my YouTube channel. So shall we start the class? So friends, आज हम यहाँ पे बी और गॉन में डिफरेंस पे डिस्कस करेंगे. डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. जो एक कंफ्यूजन बना हुआ है, उस कंफ्यूजन को हम आज दूर करेंगे. राइट फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग भी कॉपी पेन लीजिए. जो भी चीज मैं आप इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ाता या समझाता हूं, आप लोग भी नोट इट डाउन कीजिए. राइट फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, गॉन और बीन का जो यूज करते हैं हम, बीन का, यू हैव गॉट एन एक्सपीरियंस बीइंग समवेयर, मींस आपको जो भी अनुभव हुआ है बीइंग समवेयर, कहीं जाने का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, मैंने यहां पे एक रूल लिखा है, सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, देन हैव, आई, वी, दे, यू के साथ हैव का यूज किया जाता है, देन बीइंग और गॉन. कहीं पे आप बीइंग का यूज करेंगे और गॉन का, देन ऑफ दैट. पर थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूज है, गॉन और बीइंग का यूज कैसे करना है, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, मैंने यहां पे लिखे हैं कुछ वर्ब. गो, गो मीन्स जाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और गॉन इसी की थर्ड फॉर्म है. राइट फ्रेंड्स? तो गॉन का मतलब होता है जा चुका है या चले गया है या चली गई है. नेक्स्ट बीन, जो बी की थर्ड फॉर्म है, और बीन का मतलब होता है हो आया है या होकर आ गया, मीन्स कहीं गया था और होकर आ भी गया, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बीन का, और गॉन का जा चुका है. राइट फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, मैंने यहां पे दो पिक्चर बनाए हैं. प्रेजेंट टाइम में दोनों पर्सन खड़े हैं और ये व्यक्ति इस व्यक्ति से कह रहा है कि मैं दिल्ली जा चुका हूं, या मैं गोवा जा चुका हूं, या मैं पटना जा चुका हूं, या मैं अफ्रीका जा चुका हूं. ये इनसे पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर बीन टू लंदन, या हैव यू एवर बीन टू मुंबई. राइट? तो इनका ये आंसर आ रहा है कि यस, आई हैव गॉन टू दिल्ली. तो इसका मतलब होता है कि आई हैव गॉन टू दिल्ली का मतलब है कि ये दिल्ली जा चुके हैं. ये जब दिल्ली जा चुके, ये प्रेजेंट टाइम में यहां पे नहीं होने चाहिए थे, ये प्रेजेंट मोमेंट में यहां पे नहीं होने चाहिए थे. इसका मतलब है कि आई हैव गॉन टू दिल्ली, आई हैव गॉन टू अफ्रीका, आई हैव गॉन टू लंदन, आई हैव गॉन टू पेरिस. इसका मतलब है आप जा चुके हैं, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में यहां पे नहीं होने चाहिए थे. उस कंडीशन के लिए इनका आंसर ये होना चाहिए था कि आई हैव बीन टू मुंबई, आई हैव बीन टू गोवा, आई हैव बीन टू लंदन. राइट फ्रेंड? सो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि बीन और गॉन में क्या डिफरेंस है. प्रेजेंट टाइम में दोनों व्यक्ति यहां पे खड़े हैं और ये इनसे पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर बीन टू अफ्रीका. ये आंसर दे रहे, यस, आई हैव गॉन टू अफ्रीका. तो गॉन का मतलब है ये जा चुके हैं, तो इनको यहां पे नहीं होना चाहिए. इनका आंसर होना चाहिए था कि आई हैव बीन टू अफ्रीका, आई हैव बीन टू लंदन. फाइन? ओके, होपिंग यू ऑल आर गेटिंग. राइट फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, यहीं पे मैंने एक पिक्चर और बनाया. यहां पे ये ग्रुप में चार लोग हैं और ये थर्ड पर्सन मीन्स दे, तो ये व्यक्ति, ये दोनों बात कर रहे हैं कि वे मुंबई जा चुके हैं या वे दिल्ली जा चुके हैं. अगर वे दिल्ली जा चुके हैं तो उसके लिए बोलेंगे दे हैव गॉन टू दिल्ली या दे हैव गॉन टू गोवा. अगर हम दोनों बात कर रहे हैं, यहां पे दो व्यक्ति यहां पे बात कर रहे हैं और ये बोले कि वो गोवा हो आए हैं, मीन्स गोवा से होकर आए हैं और वहां पे खड़े हैं, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, दे हैव बीन टू गोवा. फाइन? ओके फ्रेंड्स, फाइन? ओके. तो यही कंडीशन मैंने आप लोगों के लिए बताया यहां पे. फॉर एग्जाम्पल देखिए कि आई हैव गॉन टू अफ्रीका, आई हैव गॉन टू अफ्रीका. ये दोनों व्यक्ति यहां पे खड़े हैं और ये बता रहा है कि आई हैव गॉन टू अफ्रीका, तो यहां पे ये बिल्कुल कहना गलत है. राइट फ्रेंड्स? उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि आई हैव बीन
टू अफ्रीका, आई हैव बीन टू अफ्रीका, ये बिल्कुल राइट है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में दोनों व्यक्ति खड़े हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि आई हैव गॉन टू अफ्रीका, तो वो कहना गलत क्योंकि आप प्रेजेंट टाइम में सामने खड़े हैं, साथ साथ बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या बोलना है कि आई हैव बीन टू अफ्रीका। फाइन ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड यहीं पे मैंने दूसरा रूल लिखा है, राइट। इससे पहले मैं यहाँ पे एक पिक्चर और बनाई, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं कि ये व्यक्ति यहाँ, इस व्यक्ति के पास कितना एक्सपीरियंस है, दिल्ली गया ये, गोवा हो आया, अफ्रीका, मुंबई, लंदन, ग्रीस, पेरिस, राइट फ्रेंड। ये इसका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है कि ये बोला कि आई हैव बीन टू लंदन, आई हैव बीन टू गोवा, आई हैव बीन टू दिल्ली, आई हैव बीन टू पेरिस, राइट। कि इस एक्सपीरियंस के लिए हमें किसका यूज करना है, यहाँ पे बीन का यूज करना। किसका? बीन का मीन्स, बीन का मतलब है कि आप होकर आगे हैं, आप होकर आगे हैं, उस कंडीशन में आपको बीन का यूज करना। अगर आप सिर्फ गए हैं वहां पे, आप गए हैं वही हैं, तो आपने, आप तो सामने पे तो रहेंगे नहीं, तो उसका आंसर है यार मैं दिल्ली गया हूं, राइट, आई हैव गॉन टू दिल्ली। पर अगर हो आए हैं तो आप प्रेजेंट मूवमेंट में सामने नहीं होंगे, उस कंडीशन में कि आई हैव बीन टू मुंबई। अगर आप सामने खड़े हैं दोनों व्यक्ति और एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं दिल्ली हो आया हूं, तो उस कंडीशन में आई हैव बीन टू दिल्ली। फाइन ओके। सो फ्रेंड्स इस एक्सपीरियंस को काउंट करने के लिए आप बीन का यूज करेंगे, और दे का यूज थर्ड पर्सन है दे के साथ। अगर आप सिंपली कि दे हैव गॉन टू गोवा, वो गोवा जा चुके हैं और वो गोवा होकर आ चुके हैं, तो दे हैव बीन टू गोवा मीन्स सामने पे बात हुई, मीन्स थर्ड पर्सन, ये दोनों व्यक्ति थर्ड पर्सन और प्लूरल नंबर की बात कर रहे हैं, और ये दोनों व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन में सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नंबर की बात कर रहे हैं कि मेरी बहन दिल्ली जा चुकी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक गर्ल है और ये दोनों व्यक्ति बात कर रहे हैं इस गर्ल के बारे में, या यहाँ पे एक बॉय है, सिंगुलर है, और इसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। उनके लिए क्या फॉर्मेट है, ही ऑब्लिक सी इट एनी नेम देन हैज के बाद बीन और गॉन देन ऑब्जेक्ट, कि सी हैज गॉन टू दिल्ली, ये दोनों व्यक्ति बात कर रहे हैं कि सी हैज गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली जा चुकी है, और अगर वो दिल्ली होकर आ गई है तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि सी हैज बीन टू दिल्ली, या सी हैज बीन टू लंदन, सी हैज बीन टू गुजरात, राइट। और लड़का है तो ही हैज गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली जा चुका है, और दिल्ली हो आए है तो ही हैज बीन टू लंदन, ही हैज बीन टू दिल्ली, राइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स यहां पे मैंने बीन और गॉन में डिफरेंस पढ़ाया, आप लोगों की समझ में आया होगा कि गॉन का यूज किस कंडीशन में किया जाता है, कि सामने पे व्यक्ति नहीं है, राइट, राम बोले कि वो दिल्ली जा चुका है, ही हैज गॉन टू दिल्ली, राइट। और हम दोनों व्यक्ति यहाँ पे, दो व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं जो मैंने पिक्चर के माध्यम से समझाया, और ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं दिल्ली जा चुका हूं, आई हैव बीन टू दिल्ली, मीन्स दिल्ली हो आया, और अगर सिर्फ गए हैं तो आई हैव गॉन टू दिल्ली, तो उस कंडीशन में इस व्यक्ति को यहाँ पे प्रेजेंट हुए, ये बोला कि आई हैव गॉन टू दिल्ली, राइट, आई हैव गॉन टू दिल्ली, और सामने पे खड़ा है, इसका मतलब क्या होना था, ये रॉन्ग है कि आई हैव बीन टू दिल्ली, आई हैव बीन टू लंदन, राइट फ्रेंड्स। तो होपिंग आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा इस पिक्चर के, इस टॉपिक के द्वारा। सो फ्रेंड्स बहुत छोटी वीडियो थी, सो फ्रेंड्स यदि आप इस वीडियो की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वॉच द वीडियो टिल देन। सो फ्रेंड्स जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसी के बगल में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएगा, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी नई वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन नाइस मीटिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच।